सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर बेसिक थ्योरी में 5th पार्ट, जिसमें हम करेंगे सेकंड मेमोरी। 4th पार्ट में हमने प्राइमरी मेमोरी की थी। सबसे पहले है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम द्वितीयक या सहायक मेमोरी भी बोल सकते हैं कंप्यूटर की। सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। यह एक परमानेंट मेमोरी है, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं द्वितीयक या सहायक। इसकी स्पीड स्लो होती है, पावर ऑफ होने पर डाटा सेव रहता है क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। लाइफ टाइम इसमें डाटा सेव रहता है, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो सेव रहेगा। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम बोल सकते हैं। टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जब, तो ऑक्सिलरी मेमोरी का ही यूज किया जाता है। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स। हार्ड डिस्क, FDD, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव। सबसे पहले है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें परमानेंट डाटा सेव रहता है। यह सर्कुलर शेप में होती है, इस पर मैग्नेटिक कटिंग लगी होती है। इसका स्टोरेज साइज ज़्यादा होता है, जैसे TB, PB, टेराबाइट, पेटाबाइट। हार्ड डिस्क प्लॉटर से बनी होती है। प्लॉटर ट्रैक में और सेक्टर में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले ये होते हैं हमारी हार्ड डिस्क, इस पे ये लगा दिए कट, ये होते हैं हमारे सेक्टर। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रैक, जो ये गोलधारा बना रखा हमने। इन दोनों की जो प्रोसेस होती है उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। और इसके अंदर जो भी डाटा स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, तो लेजर किरणों की हेल्प से हम डाटा इसमें भर सकते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ भरा जाएगा इसमें डाटा, बाहर से मतलब अंदर की तरफ। हार्ड डिस्क सॉलिड होती है, जो मेटल केस से बनी होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेल्प से डाटा रिटर्न करते हैं। डाटा सर्कुलर शेप में लगी मेटल केस के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद है सावधानी। हार्ड डिस्क के प्रति हमने क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हार्ड डिस्क को ऑयल, वाटर और डस्ट से हमेशा दूर रखना चाहिए, इसे फोल्ड नहीं कर सकते हम। उसके बाद है सेकंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक तरह की डाटा स्टोरेज डिवाइस है। इसको सबसे पहले सन 1969 में क्रिएट किया गया। इसका स्टोरेज साइज स्मॉल होता है, इसमें हम सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही सेव कर सकते हैं। इसका स्टोरेज साइज 1.44 MB होता है। यह प्लास्टिक से बनी होती है। इसका फिजिकल साइज, ये तो स्टोरेज साइज था। उसके बाद है फिजिकल साइज 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच होता है। इस पर मैग्नेटिक कटिंग लगी होती है, इसे बहुत साइड रीड राइट कर सकते हैं। यह पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको ले जा सकते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का यूज ऑडियो स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका स्टोरेज साइज 100 MB टू 200 GB होता है। यह प्लास्टिक के रिबन से बनी होती है, जिस पर मेटल ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। लेस एक्सपेंसिव होती है यह फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के कंपेयर में। इसमें डाटा सीक्वेंस में रीड राइट कर सकते हैं। इसके बाद है CD। CD का साइज 700 MB होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसको हम बोलते हैं, या कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस भी हम बोल सकते हैं। यह कांच की बनी होती है। CD पर अल्फाबेटिक लेयर्स लगी होती है। CD को री राइट नहीं कर सकते। CD में डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हेल्प से राइट कर सकते हैं। इसमें डाटा राइट एक बार कर सकते हैं और रीड बहुत बार, जब मन चाहे उतनी बार हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। यह भी CD की तरह सर्कल शेप में और प्लास्टिक से बनी होती है। DVD में मैनी डाटा, वीडियो, ऑडियो, इमेज सेव कर सकते हैं। इसका वन साइड स्पेस 4 to 7 GB होता है और बोथ साइड स्पेस 9 to 4 GB होता है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, फ्लैश ड्राइवर USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। जब हम कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो हम डाटा केबल का यूज कर सकते हैं, जो CPU से अटैच होती है मोबाइल के साथ में, तो वो भी हमारा एक तरह का USB होता है। उसके बाद है माइक्रो SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, पेन ड्राइव, चिप, रीडर, ये पोर्टेबल होते हैं। अनलिमिटेड टाइम इनको हम यूज कर सकते हैं। यह स्मॉल साइज के होते हैं। फ्लैश ड्राइवर का मेमोरी साइज़ ज़्यादा होता है, इसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।